एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेटिंग दी पोटेंशियल डिफरेंस। ये वही चीज है जो अभी हमने डिस्कस की थी, क्या कि आप इसमें क्या करेंगे कि आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है और ईएमएफ इसकी ई है बैटरी की, रियोस्टैट आरएच है, पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और लेंथ इसकी कैपिटल एल है। आपने क्या करना है, नीचे एक सर्किट गिवन है, ना उसकी रेजिस्टेंस पता है ना बैटरी पता है, और आप इसका वी निकालना चाहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर आर। तो आप दो एंड्स ऑफ पोटेंशियोमीटर को इसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ जाए। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जब जीरो आएगी तो इसमें और इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, तो इसका करंट बाहर ही चला जाएगा, कितना, ई डिवाइडेड बाई आर एच डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, और इसका जो करंट होगा वो नीचे चला जाएगा, जो भी होगा हमें कैलकुलेशन में चाहिए नहीं। तो हमें बैलेंसिंग लेंथ हम मेजर कर लेंगे एल, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसका निकालना है तो इसका सेम हो जाएगा, अभी हमने यही चीज की थी। तो यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वी इज आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल, और स्मॉल एल की रेजिस्टेंस अभी निकाली थी, अगर कैपिटल एल है तो स्मॉल आर रेजिस्टेंस है 1 है तो इतना, और स्मॉल एल है तो आर बाई एल इनटू एल, आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। ये मेथड नंबर 1 है जो हम ये फॉलो करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, स्पेशली न्यूमेरिकल्स के अंदर, मेरे को ये ज्यादा ठीक लगता है, दो लाइन में काम खत्म है। आपकी बुक्स ऐसा करती नहीं है, आपकी किताबें ऐसा करती हैं, जितने भी सॉल्यूशन देखोगे पोटेंशियोमीटर के बुक्स में वो अजीबोगरीब तरीके से कर रखे होंगे, आपको सॉल्यूशन समझने मुश्किल होंगे, क्योंकि वो ये टेक्निक यूज करता है जो मैं बताने जा रहा हूं। आप फर्स्ट यूज कर लें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 2 मिनट देख लें कि वो क्या यूज कर रहा है। वो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यूज करता है, कैसे, वो कहता है कि देखो जी अगर बैलेंसिंग लेंथ एल है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी है तो वी प्रोपोर्शनल टू एल, ये रहा सम कांस्टेंट के, के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया वी बाय एल, इक्वेशन नंबर 1। अब वो ये कहते हैं काम करो, पूरी ले लो पोटेंशियोमीटर वायर की, पूरी लेंथ ले लो पोटेंशियोमीटर वायर की, पूरी लेंथ का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं तो क्या होगा, आई इनटू रेजिस्टेंस स्मॉल आर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई इनटू रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और आई की वैल्यू क्या है, ई डिवाइडेड बाय, अभी क्या किया था, ई डिवाइडेड बाय आर एच प्लस आर पुट कर दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जो पूरी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसकी लेंथ पे डिपेंडेंट है, और लेंथ पूरी वायर की कितनी है, कैपिटल एल, तो के टाइम्स कैपिटल एल, पोटेंशियल डिफरेंस ओम लॉ से भी निकाल लिया, इससे भी निकाल लिया, इन्हें इक्वेट कर, इक्वेट करके के निकाल लिया। अब के हमने इक्वेशन नंबर 1 में भी निकाल रखा है, के हमने फिर से निकाल लिया, के को इक्वेट करके वी की वैल्यू आ गई, आंसर वही आएगा जो मेथड नंबर 1 में आया, सिर्फ दिखा दिया मैंने कि कैसे वो के को यूज करते हैं। हम न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे, हम मेथड नंबर 1 से यूज, नाम फॉर्मूला करेंगे, इसका फॉर्मूला भी मेरे को याद नहीं है, हम ओम लॉ ही लगाएंगे, सिंपल, आज मैं करके दिखाऊंगा आपको, बस यही बेसिक तरीका याद रखेंगे और रेजिस्टेंस हम साथ साथ निकालते जाएंगे। क्लियर है यहां तक, तो ये है एप्लीकेशन नंबर 1।